में भी हमने देखा है कि योगा का बहुत अहम रोल है, और हमने ये स्टडीज़ करी हैं डिप्रेशन पे, और जिन लोग जो लोग इनफर्टाइल हैं और उसके बाद उनको डिप्रेशन हुआ है, और हमने ये देखा है कि डिप्रेशन की सिवेरिटी बहुत हद तक कम हो जाती है जब ये लोग योगा अपनाते हैं। ये देखा गया है कि जो ड्रग्स दी जाती हैं डिप्रेशन के लिए, सारे लोगों पे एक तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये पेशेंट्स की कंप्लायंस पुअर होती है और उनको रिलैप्सेस भी हो जाते हैं, परंतु जो लोग योगा करते हैं उनकी योगा उनकी डिप्रेशन की सिवेरिटी भी कम होती है, और ये लोग अपनी दवाइयाँ भी ज़्यादा अच्छी तरह लेते हैं बिकॉज़ इनके वैसे ही सुधार होता है। हमने कई फैक्टर्स देखे हैं जैसे ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और कई ऐसे फैक्टर्स जो न्यूरोप्लास्टिसिटी इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि डिप्रेशन की सिवेरिटी कम हो जाती है, जिससे उनके एटीट्यूड में बहुत पॉजिटिव हो जाता है, और इसलिए वो ज़्यादा इस प्रॉब्लम के साथ कोप कर सकते हैं। वे लेस एंग्शियस, लेस स्ट्रेस्ड रहते हैं एंड डेफिनेटली दे आर मोर पॉजिटिव आफ्टर दे डू योगा।